गाइस गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप लोग को सलाम और नमस्ते बोलना चाहता हूँ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप लोग आते हो डिलीवरी बॉय में काम करने के लिए, तो आपकी यहाँ पे ड्यूटी कितनी रहेगी और आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या हॉलीडे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जहाँ पे आपको बाइक वगैरह चलाकर डिलीवरी देना होता है खाना वगैरह की। तो ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी पे जिसे ड्यूटी रहती है उनको छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर वीक या पर मंथ, आपको एक महीना के लिए छुट्टी मिलेगी या आप लोग को एक हफ्ता के लिए छुट्टी मिलेगी। बस आप लोग क्या क्या काम करना है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। चलिए बात करते हैं गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो कुवैत में बाइक डिलीवरी बॉय अगर आपका काम करते हो, जैसे कि कोई बंदा अगर रेस्टोरेंट वगैरह में बाइक डिलीवरी करता है सामान वगैरह की, खाना वगैरह की, जैसे हमारे इंडिया बोलते हैं कि जाओ डिलीवर कर दो कोई सामान, जैसे खाना वगैरह का, जैसे एक होटल से किसी कस्टमर को देना है, तो यहाँ भी इसी तरह होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और कोई बंदा को, जैसे किसी बंदे ने मुझे फोन किया तो वो बोला कि हमें चिकन बिरयानी चाहिए फलाने एड्रेस पे, तो बाइक बॉय रहेगा वही ले जाएगा, ना कि मैं ले जाऊंगा। तो अगर आप लोग वो काम करना चाहते हो और आप लोग को कम से कम बाइक चलाने में एकदम स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ा अच्छा होता है और यहाँ पे दूर दूर तक जाना पड़ता है आपको। तो गाइस अगर आप लोग को बाइक चलाना आता है तो प्लीज आप लोग अच्छे से चलाइए। अगर आप लोग को नहीं आता है और आप लोग इस काम में आना चाहते हो तो प्लीज आप लोग पहले इंडिया में अच्छे से मैदान वगैरह में अच्छी किसी जगह सेफ्टी जगह पे पूरा जानकारी के साथ पूरा बाइक चला लीजिए, सीख लीजिए, तभी कुवैत में आप लोग इस बीए पे आइए। और इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा आपको मिलता है और हमारे इंडिया तो कोई पैसा ना देगा नहीं, 4-5 हजार, ज्यादा से ज्यादा 8 हजार 9 हजार, उससे ज्यादा कोई आपको देता भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आप लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैसा मिलता है भाई। और जो बाइक वाले होते हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको अलग से टिप भी मिलता है। आप लोग को पता नहीं है लेकिन मुझे पता है, मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे रहता हूँ, मुझे पिछले 6 साल से यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस है कि कौन सा काम कैसे रहता है, क्या क्या रहता है। तो अगर गाइस आप लोग आते हो डिलीवरी बॉय के तौर पर यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो आप लोग को अगर कोई बंदा यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का जैसे सामान लेकर गए दूसरे कस्टमर घर में, तो आपको कम से कम टिप दे सकता है 0.5 KD 1 KD। अगर आप लोग चले गए अरबिक घर में तो भाई उसमें आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, हो सकता है आपको 4 दिनार दे दे, 5 दिनार दे दे, उसको बोलते हैं हदिया देते हैं। यहाँ अरबिक क्या बोलते हैं, टिप को हदिया देना। जैसे आपने उसको डिलीवर किया और कितना पैसा बचा आपको, जैसे कि 10 दिनार का सामान हुआ और कस्टमर आपको कितना दिया, 20 दिनार, आपको 10 रिटर्न करना चाहिए ना। तो कभी कभी कस्टमर इतने अच्छे अच्छे होते हैं, बोलते हैं कि भाई रख लीजिए वो भी। बहरहाल वो पैसा आपका होता है, आपके पॉकेट मनी में जाता है, ना कि कंपनी की, ना कि रेस्टोरेंट में। और बस आपको कितना कंपनी को देना है, जैसे 10 दिनार का बिल होता है, 10 दिनार का जो कि इसमें लिखा रहता है रेट वगैरह, उसको फतूरा बोलते हैं अरबी में। तो 10 दिनार आपको कंपनी में देना रहेगा कि मैंने 10 दिनार का सामान डिलीवर किया है, बाकी 2-10 दिनार आपका रहेगा, वो 10 दिनार आपके जेब में जाएगा। और सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी होती है अगर आप लोग यहाँ पे आते हो इस काम में, तो भाई आपको तो यहाँ पे बहुत ही पैसा मिलता है। डिलीवरी बॉय हो गया और बहुत सा ऐसा काम है, मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत सा ऐसा काम है यहाँ पे जो टिप वगैरह मिलती है, हदिया वगैरह मिलती है। वो लोग यार महीना में कम से कम लाखों रुपया कमाते हैं यार, कुछ काम नहीं करते हैं। आपको इंडिया में कौन देगा पैसा इतना ज्यादा, लाखों रुपया? हमारे इंडिया में तो भाई बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है और वहाँ पे काम भी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आ जाते हो तो बहुत यार अच्छा पैसा मिलता है। और इसमें हफ्ता में एक छुट्टी होती है कभी कभी, तो आप लोग को यहाँ पे गाइस कभी कभी तो यहाँ पे आपको एक महीना में एक छुट्टी मिलती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको महीना में छुट्टी मिले। और मैंने देखा है कि कहीं कहीं 15 दिन पे छुट्टी देते हैं और कहीं कहीं पे आपको एक हफ्ता पे, कहीं कहीं पे आपको 25 दिन पे, कहीं कहीं पे एक महीना होती है। लेकिन आपको 95% आपको फ्राइडे की छुट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे दिन हॉलीडे मनाया जाता है गवर्नमेंट का, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बाकी कंपनी वगैरह सब बंद होती है। तो रेस्टोरेंट पे चांस के, जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, वो थर्सडे से लेकर, यानी कि संडे से लेकर थर्सडे तक ज्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी लोगों को छुट्टी नहीं देती ना, क्योंकि यहाँ पे लोग ड्यूटी करते हैं, कंपनी खुली होती है और सारा सामान यानी कि सब ओपन होता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं डिलीवरी वगैरह, जैसे आप लोग डिलीवरी देते हो ना, आपका कस्टमर ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 5 दिन जो ऐसा होता है ना, 5 दिन में डिलीवरी सामान आप लोग ज्यादा ज्यादा दोगे तो आपको फायदा आएगा, क्योंकि जुमक छुट्टी होती है। अगर आप लोग जुमक ड्यूटी करोगे ना, आपको थोड़ा लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जुमक दिन कस्टमर कमती आते हैं, और अगर आप लोग के पास कस्टमर कमती रहेंगे तो आपको वहां पे कम फायदा मिलेगा, हो सकता है आपको टिप वगैरह ना मिले। और गाइस एक बात और बता देता हूँ कि गाइस अगर आप लोग जा रहे हो कोती घर में, अगर आप लोग जा रहे हो कोती घर में काम करने के लिए, तो आप जैसे कोती घर में डिलीवरी देने जा रहे हो, तो जुमक दिन वो लोग बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट खाना खाते हैं, वो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं जुमक दिन। तो अभी मैं जल्द ही गया था अपने कोती के घर में, वहां पे मैंने देखा कि वो लोग भी जुमक के दिन
बाहर का खाना खाते हैं, चिकन बिरयानी हो गया और जो भी सामान होता है, कबाब हो गया और सामान है इत्यादि वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग डिलीवरी बॉय के द्वारा सामान मंगाते हैं। और मैंने देखा कि डिलीवरी बॉय को टिप भी दिया। अब कितना दिया मुझे पता नहीं, मैं दूर पे था क्योंकि वहां पे जाना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि जब कोई बंदा किसी बंदे को टिप देता है तो उस बंदे को खराब लग सकता है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप डिलीवरी बॉय के तौर पर, आपको यार बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा मिलता है, मैं पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। अगर बस आप लोग को सही रेस्टोरेंट पर, सही होटल पे काम करना पड़ेगा, तो जैसे अगर आप लोग आ गए ऐसी जगह जहाँ पे आपको डिलीवरी बॉय के तौर पर रख लिया, वहां पे आपका कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो भाई आप लोग कैसे पैसा कमाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी ड्यूटी कितनी घंटा रहेगी। तो इसमें मैंने पूरा ऑलरेडी लिख कर रख लिया, आप लोग देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा ऑलरेडी लिख के रख लिया एक एक टॉपिक, ताकि छूट ना पाए इस बारे में, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी कितने बड़ी चढ़ती है, जैसे आप लोग ड्यूटी पर कब जाओगे, तो इसमें कई कंडीशन होती है। इसमें दो तीन शिफ्ट होती है, दो शिफ्ट होती है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट होता है ना, कहीं कहीं सिटी वगैरह में तो 24 आवर्स अलाउ होता है, और कहीं कहीं पे तो बहरहाल 12 घंटा यानी रात को बंद करना पड़ सकता है। और यहाँ कोयत में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको रात में 8 बजे तक कैसे भी रेस्टोरेंट वगैरह बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग गए सिटी वगैरह में, जो यहाँ पे सिटी वगैरह पड़ती है, कोयत सिटी हो गया, कहीं कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह रात को 12 बजे 2 बजे तक चलता है, तो वहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाती है। तो गाय अगर आप लोग सुबह में ड्यूटी करोगे तो आपको सुबह 7 से 7 हो सकती है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, रात तक जो भी इत्यादि वगैरह। और अगर आप लोग आते हो दोपहर बाद, तो आपको रात को 11 बजे 12 बजे तक ड्यूटी रहेगी। तो गाय इतनी ड्यूटी रहती है, कम से कम आप लोग को तो यार 9 घंटा या 10 घंटा आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो 9 घंटा 10 घंटा तो आप ड्यूटी कर दे सकते हो भाई, अपने इंडिया में तो आप लोग 9 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तो ऐसे खेत वगैरह में टाइम पास करते हो। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो 8 घंटा 9 घंटा तो आराम से कर सकते हो भाई, गाड़ी वगैरह के थोड़ा एक्सपर्ट हो रहो, बाइक वगैरह के पूरा हेलमेट के साथ तैयारी अगर आप लोग करोगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को डरना नहीं कि हमको एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, यहाँ पे डरना लाइफ में कहीं भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं। क्या आप नहीं कर सकते हो, अपने आप से बोलिए कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग उस लायक हो तो कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो सैलरी होती है 210 दिनार सैलरी होती है, मैंने ऑलरेडी पूरा लिख के रख लिया देख सकते हो, और मैंने ये पूरा रिसर्च करके मैंने ऑलरेडी पूरी इन्फॉर्मेशन सही से इन्फॉर्मेशन निकाली है, ताकि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। यहाँ पे 210 दिनार 200 दिनार तक सैलरी मिलती है डेली बॉय की, क्योंकि ये काम थोड़ा मेहनत वाला होता है, गर्मी में इनको थोड़ा मेहनत होती है, बाकी ठंडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडी होता है, नॉर्मल सा होता है, तो गर्मी में थोड़ा धूप वगैरह में जाना पड़ सकता है, तो उनको थोड़ा बीमार वगैरह हो सकते हैं। बीमार एक नॉर्मल सी बीमारी है, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सर्दी खांसी बुखार हो गया तो कोई बात नहीं, चल सकता है। और गाइस जो बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई, एक मेरे भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई डिलीवरी बॉय पे डिलीवरी बॉय भी वीडियो बनाई है, उनका नाम था सत्येंद्र। तो सत्येंद्र को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसी सवाल की वजह से और लोगों को फायदा होने वाला है। तो अगर भाई लोग आप लोग कमेंट में करना कि अगर आप कोई में आना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में जाके लिखिए कि भाई आपने बहुत ही सही वीडियो बनाया है, आपने पूरा सच्चाई के साथ वीडियो बनाया है, तो मैं आपका कमेंटों का पूरा आंसर दूंगा। और सत्येंद्र भाई मैं आप लोग को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ आपको कि एक अच्छा सा एक टॉपिक आपने चुना। अगर आप लोग के अंदर कोई भी टॉपिक और है, आप लोग कमेंट में जाके लिखिए कि मैं भाई इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं भी एक एक दिन एक टॉपिक की वीडियो बनाकर आप तक ये शेयर कर दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरी सैलरी के साथ, पूरी ड्यूटी के साथ, और आपको वहाँ पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गाइस मैं एक चीज और भूल गया कि आपको यहाँ पे खाना या रहना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको जो बाइक डिलीवरी बॉय होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, तो उनको रहना कंपनी की तरफ से रहता है, और खाना भी बहरहाल रेस्टोरेंट में रहता है। आप लोग को डरना मत, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो होता है ना, पूरा आपको फ्री होता है, आपकी सैलरी पूरी बच जाएगी, और आपका टिप भी मिलता है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओ लगे भाई। कम से कम यार आप लोग 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ कमा सकते हो इस काम में। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे कमाते हैं, इंडिया के हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बहुत से स्टेट के रहने वाले हैं, और आप लोग बोल नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने देखा कि यूपी के रहने वाले ज्यादा हैं और बिहार के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे 4-5 साल से काम करते हैं, वो लोग कम से कम 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ तो कमाते हैं, सैलरी हो जाती है 210 दिनार, और कहीं कहीं पे ज्यादा भी है, लेकिन 200 दिनार से कम नहीं है आपको यहाँ पे मिलेगा पक्का, क्योंकि डिलीवरी बॉय बहुत ही पक्की ड्यूटी करते हैं, बहुत ही अच्छी ड्यूटी करते हैं, और बहुत ही अच्छी सैलरी भी होती है, और उनको अलग से 50 दिनार 100 दिनार भी अलग से मिल सकता है टिप वगैरह। कहीं कहीं पे आपको 50 दिनार मिलेगा पर मंथ के बता रहा हूँ, एक दिन का हिसाब नहीं हुआ, आप लोग सोच लीजिए 50 दिनार आपको महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं कहीं पे 5 मिल जाए, कहीं कहीं पे 2 दिनार मिल जाए, कहीं कहीं पे अभी रुपए दिनार मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई 10 दिनार देगा। तो कहीं कहीं अगर कस्टमर अच्छा रहता है तो आपको 10 दिनार या 20 दिनार भी दे सकता है एज ए हदिया। अगर आप लोग ईद के समय में डिलीवरी करोगे ना, आप लोग को हदिया देने के चांस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और
ऐसा नहीं कि वो पैसा बच जाएगा, वो लोग अलग से अपना हदिया देते हैं खुश होकर कि ईद है, बकरीद है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है उस समय, लेकिन इस समय भी ज्यादा फायदा होता है। ऐसा नहीं कि ईद बकरीद कि आप बस ईद या बकरीद या बस पैसा मिलेगा बाद में बंद, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग आते हो दूसरे भी ऐसे जैसे नॉर्मल मौसम में, नॉर्मल सीजन जो होता है उसमें भी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।